हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश्वर महाराज आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे मैं आप सबको हर एक मंत्रों के बारे में बताया, आप सबने कभी मेरे चैनल पे आके दुनिया भर का मंत्र सिद्धि के बारे में आप सब मांगते हो, बोलते हो कि ये मंत्र के लिए चाहिए, भैरव जी के लिए चाहिए, दुर्गा माता के लिए चाहिए, अप्सरा की साधना चाहिए, आप सारी साधना मांग लेते हो। अरे भैया, जिसने सृष्टि बनाया उसका क्या है? ये सवाल मेरा आप सबसे है। जिसने सृष्टि बनाया है उसका क्या करोगे आप? कभी बाप का भी तो साधना मांग लो भाई। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपसे निवेदन है, गलती हो गई हो तो माफ करें प्लीज। बाप जो है, जो महाकाल है, जो शिव शंभु है, उसके बारे में आपने कभी सोचा है? कभी उनकी साधना आपने मेरे वीडियो के कमेंट के नीचे आकर माना है? आज मैं 19 महीने के आसपास हो गया है। मैं 19 महीनों से देख रहा हूं कि वशीकरण चाहिए, सब कुछ चाहिए, शिव जी की साधना क्यों नहीं चाहिए? भैया, शिव जी की साधना करना मतलब यह मत सोचो कि आपको घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। अरे कम से कम बाप को तो सम्मान दो, इज्जत दो। तो दोस्तों, मैं महादेव के लिए एक साधना लेकर आया हूं, जिसे आप करेंगे तो महादेव को भी एहसास होगा कि मेरा भक्त, मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है और मुझे अपने दिल में बसाना चाहता है। तो मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हमारा परम पिता है, त्रिदेव है, जो उसे भी हम सम्मान दें। हमने सबको सम्मान दिया है, पर भोलेनाथ को भी सम्मान देने में हमारा क्या जाता है? भैया, सृष्टि उनकी है, गोद भी उनका है, हाथ भी उनका है, पैर भी उनका है, ये पूरी शरीर उनका है। जब सृष्टि है तो सृष्टि में हमें बनाने वाले भी वही है, तो उनको सम्मान देना हमारा कर्तव्य बनता है। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, रात्रि के टाइम पे आप साधना करें, लेकिन सुबह और शाम दो माला शिव जी का भी कर लें, ताकि आपके ऊपर आशीर्वाद उनका बनी रहे। तो मंत्र जो है वो मैं बताने जा रहा हूं, वो मंत्र पे ध्यान दें आप। उसे दो माला करना है, अपने बाप के लिए करना है, जिसने सृष्टि बनाया है ना उसके लिए करना है। तो मंत्र इस प्रकार है, शिव ओम शंभुवाय नमः, शिव ओम शंभुवाय नमः, शिव ओम शंभुवाय नमः। मंत्र स्क्रीन पे दे दिया जाएगा, उस मंत्र को देखें, दो माला सुबह दो माला शाम में आप उसे जप करें। माता रानी का अनुष्ठान करते करते आप सबसे निवेदन है कि माता रानी का अनुष्ठान करते करते आप जो भी जिसकी भी अनुष्ठान करें, नौ दुर्गा में से जिस दुर्गा माता का आप अनुष्ठान करेंगे दो माला आप साथ में कर लें, ताकि दृष्टि इनकी आपके ऊपर पड़े रहे, आपका परिवार सुख शांति से रहे, और जब अपना बाप अपने सर पे हाथ रखेगा तो समझ लेना सब कुछ क्लियर है। ठीक है, आप सबसे निवेदन है, दुर्गा माता का हवन करना। आप बेशक महादेव के लिए आप हवन नहीं करोगे चलेगा, दिल से जो माला जप करेंगे, शिव ओम शंभुवाय नमः, शिव ओम शंभुवाय नमः, ये माला आप जप करें। हो सके अगर आपका दिल है तो पांच माले का हवन कर लें आप, उनके नाम से इस मंत्र से पांच माला का हवन कर लें। बस इतना ही कहना चाहूंगा। आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी।